दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने फेसबुक के किसी भी फोटो को अगर हाइड करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से हाइड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने फेसबुक पर काफी सारे फोटोज वगैरह अपलोड करते रहते हैं, काफी सारी पोस्टें करते रहते हैं, लेकिन उसमें से अगर किसी फोटो को आप हाइड करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, उसी का प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फेसबुक से किसी फोटो को हाइड करना चाहते हैं ताकि उसे कोई ना देख पाए तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या दोस्तों की ऊपर की साइड आपको राइट हैंड साइड में जो थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है आपको सिंपली थ्री डॉट पर चले जाना है। अब थ्री डॉट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे टॉप पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपका प्रोफाइल नेम। आपको सिंपली अपने प्रोफाइल नेम पर टैप करके अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लिया है। अब प्रोफाइल को ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की साइड आना है और नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर फोटोज देख सकते हैं, म्यूजिक देख सकते हैं, डिड यू नो, इसके अलावा यहाँ पे और भी ज्यादा ऑप्शन आपके फेसबुक अकाउंट में हो सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो फोटोज का ऑप्शन है इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ऊपर आपको कुछ टैब देखने को मिल रही होंगी जैसे कि सेव्ड, फोटो ऑफ यू, अपलोड और एल्बम। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड वाली टैब पे चले जाना है। जैसे आप अपलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपने अपने फेसबुक पर आज तक जितने भी फोटो अपलोड किए होंगे वो सारे के सारे फोटो आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ से आपको सबसे पहले तो उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आप यहाँ से हाइड करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये सेंटर वाला जो फोटो है मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको इस तरह से फोटो को ओपन कर लेना है। फोटो को ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली थ्री डॉट पर चले जाना है और थ्री डॉट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको नीचे की साइड आ जाना है, यहाँ पर नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिट पोस्ट प्राइवेसी का, आपको सिंपली इसी को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम आप इस ऑप्शन में आएंगे आपको यहाँ पे पब्लिक पे सिलेक्ट मिलेगा, यानी कि आपके इस फोटो को कोई भी देख सकता है। लेकिन अगर आप इसे यहाँ से फ्रेंड पे कर देते हैं तो इसके बाद सिर्फ आपके जो फेसबुक फ्रेंड है वही आपके इस फोटो को, इस पोस्ट को देख पाएंगे। कोई भी अननोन पर्सन आपकी आईडी पे आके इस फोटो को या इस पोस्ट को नहीं देख पाएगा। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है अगर इसको आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी पूरी फ्रेंड लिस्ट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप उन फ्रेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आप इस फोटो को हाइड करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से जिन जिन फ्रेंड को आप सिलेक्ट कर लेंगे वो आपके इस फोटो को नहीं देख पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको जो देखने को मिलता है स्पेसिफिक फ्रेंड, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी फ्रेंड लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप उन फ्रेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आप अपना फोटो दिखाना चाहते हैं। यहाँ से आप जिन जिन फ्रेंड को सिलेक्ट कर लेंगे वही आपके इस फोटो को, इस पोस्ट को देख पाएंगे, बाकी कोई भी पर्सन आपके इस पोस्ट को नहीं देख पाएगा। चलिए बैक ले लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन आपके इस फोटो को या इस पोस्ट को ना देख पाए तो उसके लिए आपको सबसे बॉटम पे जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ओनली मी, आपको सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बैक ले लीजिए। आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपका ये जो फोटो है ये हाइड हो चुका है, आपका कोई फ्रेंड या कोई अननोन पर्सन कोई भी आपकी प्रोफाइल पर जाके आपके इस फोटो को या इस पोस्ट को नहीं देख पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी अपनी फेसबुक फोटो को हाइड करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।